दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपकमिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो के लेटेस्ट स्पाइसॉट इसके इंटीरियर को स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही एक कोशिश महिंद्रा भी कर रहा है जो तकरीबन 20 साल के बाद स्कॉर्पियो को एक मेजर अपडेट देने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के इंटीरियर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जिसको काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट के बाद फुली रिडिजाइंड करके मॉडर्न और प्रीमियम बना दिया गया है। और इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि इसके एक्सटीरियर में भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, जिसकी ज़रूरत थी या नहीं वो तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो का डिज़ाइन इतना खास नहीं है। मैं इस लिस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, आप हो या नहीं वही कमेंट बॉक्स में आपने पहले भी बताना था। इंटीरियर में बदलाव की सख्त ज़रूरत थी, ये तो हम सभी मानते ही हैं। दोस्तों, इस हाईली अवेटेड नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में यानी कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में लॉन्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों से भी मैं एक यही गुजारिश करना चाहूँगा, आप में से कुछ लोग लॉन्च डेट की उम्मीद लेकर वीडियो को ओपन करते हैं, जो कि इतना बुरा तो नहीं है, बट दोस्तों आप लोग खुद सोचो, महिंद्रा ने अभी तक एक्स्यू 700 की लॉन्च डेट की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाली है। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो की अभी से लॉन्च डेट जान लेने की उम्मीद तो लगाना महिंद्रा के हिसाब से हम कोई गुनाह ही कर रहे हैं। प्रतीक्षा अभी भी काफ़ी लंबी होने वाली है। अगर आपके अंदर पेशेंस भरपूर मात्रा में है तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि और वेट कर लीजिए, या फिर आप कोई और गाड़ी भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप कोई और गाड़ी कंसीडर करना चाहोगे तो कौन सी गाड़ी कंसीडर करना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नेम ज़रूर लिखना। टाटा की एक गाड़ी भी है जो उसको थोड़ी बहुत टक्कर दे सकती है, आप उसका भी प्लान कर सकते हो। आई एम श्योर आप समझ गए होगे उस गाड़ी का नेम। और क्या आपको करंट जनरेशन स्कॉर्पियो को अभी भी कंसीडर करना चाहिए या नहीं, अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल लो तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा। बैक टू द टॉपिक, अगर बात करें तो दोस्तों, जैसे कि हम स्पाई सोर्स में देख सकते हैं, न्यू स्कॉर्पियो में थार के जैसे ही रूफ माउंटेड स्पीकर्स लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक वाली साउंड क्वालिटी देते हैं। इस फोटो में हमें इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी स्पष्ट दृश्य मिलता है, जिसकी एसयूवी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी थी। अपग्रेडेड स्कॉर्पियो में ऑरेंज स्टिचिंग के साथ ब्राउन लेदरेट अपोस्ट्री मिलने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह नए ढंग से बनाया गया डैशबोर्ड है, बट करंट स्कॉर्पियो के मजबूत और सीधे लुक को धारण करता है। कॉकपिट को दो भागों में अलग करते हुए सेंटर कंसोल टनल भी कन्वेंशनल पोजीशन से काफ़ी ऊंचा लग रहा है। इसमें ड्राइवर की साइड स्टोरेज स्पेस भी है। इसके अलावा महिंद्रा ने फ्यूचर में स्कॉर्पियो के लिए कुछ फीचर्स भी सुनिश्चित कर लिए हैं, लाइक ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ए लार्जर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ए न्यू फ्लैट बॉटम लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दैट गेट्स क्रूज कंट्रोल अलोंग विद ऑडियो एंड टेलीफोनी फंक्शंस, जो कि देखने में एक्स्यू 700 के स्टीयरिंग व्हील से इंस्पायर्ड लग रहा है। प्रस्ताव पर अन्य अपग्रेड में एक MID के साथ एक ट्विन पोर्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल और क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के नीचे स्विच का एक सेट शामिल है, जिसे इसने सेकंड जनरेशन थार से उधार लिया है। इट कुड आल्सो कम विद ऑल LED लाइटिंग सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, मल्टीपल ड्राइव एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, ऑटो हेडलैम्प्स एंड वाइपर, एंड तीनों रो के लिए हमें AC वेंट्स भी मिलने वाले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी में बहुत सारे एयरबैग्स, ABS विद EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड ए रियर पार्किंग कैमरा भी मिलने वाला है। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो की अक्षमता में सेकंड जनरेशन थार से उधार लिए गए वही सेम 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजनों का यूज किया जाएगा, बट ये इंजन थार से ज़्यादा पावर फेंकेंगे स्कॉर्पियो के अंदर, जो कि काफ़ी दिलचस्प बात होने वाली है। सेम वही ट्रांसमिशन चॉइसेस का यूज किया जाएगा। और दोस्तों, वैसे तो कंपनी ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन 4-व्हील ड्राइव और 4x4 कन्फर्म आने की उम्मीद तो हम लगा ही रहे हैं, जो BS6 ट्रांसमिशन फेस में डिसकंटिन्यू हो गया था। और दोस्तों, हमें पूरी पूरी उम्मीद है न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो करंट मॉडल से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है, जो कि मोर पावरफुल तो होगी ही होगी। दोस्तों, आपके हिसाब से गाड़ी का क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस 13-18 लाख तक एक्सोरूम प्राइस होने वाला है। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल न्यू अपकमिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ एक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।